और भाई क्या हाल चाल। देखिए साइन कीबोर्ड से कितना शानदार लोडर जाने वाला है। देखिए देखिए बहुत सिंपली और बहुत ज़्यादा फास्ट लोडर है ये साइन कीबोर्ड से। तो देखिए कैसे इसको डाउनलोड करते हैं, कैसे इसको लगाते हैं, सब कुछ मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए क्रोम ब्राउज़र पर जाना है आपको। क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद आपको साइन कीबोर्ड सर्च कर लेना। तो ये फर्स्ट वाली जो लिंक आएगी इसको आपको डाउनलोड पे कर लेना है, ठीक है। तो देखिए चलने दीजिए थोड़ा सा प्रोसेस। तो देखिए ये डाउनलोड मैंने करने चालू कर दिया। तो देखिए दिखा रहा है कि डाउनलोड पे लग गया है, ठीक है। तो मैंने डाउनलोड पे लगा और देखिए डाउनलोड हो चुका है। आप देखिए इसको इंस्टॉल करते हैं फ़ोन में, ठीक है। तो देखिए इंस्टॉल हो रहा है, ये देखिए इंस्टॉल हो चुका है। आप ये थोड़ा सा देख रहा है कि सेफ है कि या अनसेफ है। तो देखिए कीबोर्ड सेफ बता रहा है कि सेफ कीबोर्ड है बिल्कुल, ठीक है। तो कंटिन्यू कर देना और इसको ओके कर देना, ठीक है। अब इसके बाद इस कीबोर्ड को अनेबल कर लेना है। आपके हर फ़ोन के अलग अलग हिसाब से होता है, तो आप अपने फ़ोन के हिसाब से इस कीबोर्ड को चालू कर लेना है। इस कीबोर्ड को चालू करने के बाद ओपन करना है दोबारा से और फिर इस कीबोर्ड को चेंज करना है यहाँ से। तो देखिए यहाँ से मैंने कीबोर्ड को चेंज कर दिया। अब देखिए ये इसके बाद देखिए थ्री डॉट दिख रहे हैं। इसके बाद ये हैंड वाला जो क्लिक है इस पर नीचे गो टू कुछ लिखा होगा उस पर क्लिक कर देना। और उसके बाद ये देखिए हैंड को तीन दबा के रखना है प्रेस करके, ठीक है, लॉन्ग थोड़ा सा। तो देखिए इस टाइप से आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट इसमें देखिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब दो वर्ड लिख सकते हैं जैसे वो लिखते हैं ना। तो मैं लिख के नहीं बताऊंगा, बस नॉर्मली लिख के बताऊंगा। मैं इसमें आता है मुझे लेकिन मैं लिख के नहीं बताऊंगा, बस आपको बता दूंगा, हिंट दे दूंगा। तो देखिए मैंने वो पूरा लिख दिया है। उसके बाद अगला टेक्स्ट भी लिख सकते हैं आप। तो इसमें एक टेक्स्ट लिखोगे और उसके अंदर आप तीन चार टेक्स्ट कुछ भी सेंटेंस भी लिख सकते हो पूरा का पूरा, ठीक है। तो ऊपर ये शो करेगा जो मैं दिखा रहा हूँ ये वाला। उसके बाद ऊपर देखिए सेव का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना। इस टाइप से देखिए इन पूरे डब्बों को इस टाइप से कर देना है। पेंसिल वाले से भी कर सकते हो, ठीक है, और डिलीट करके भी आप कुछ भी सेट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए अभी मैं पेंसिल से ही कर रहा हूँ एडिट। तो एडिट करने के बाद देखिए ये अभी मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। वैसे आता है मेरे को लेकिन मैं बताऊंगा नहीं कैसे लिखते हैं, वो आप लोगों को पता है अच्छे से कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ठीक है। तो देखिए मैंने वो वर्ड लिख दिया और बढ़ के नेक्स्ट वर्ड भी लिख दिया जो उसके बाद ऑटोमेटिक उसमें डिटेक्ट होता चलेगा, ठीक है। तो अब मैं देखिए इस वाले को देखिए डिलीट करके, इस वाले को डिलीट करने की बजाय देखिए फिर से एडिट कर दिया मैंने। एक डिलीट करके भी बता दूंगा डिलीट करके कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए कुछ भी उसका ऊपर शॉर्टकट तो वो सेम जो फ्रंट पे आपका डिब्बे में दिख रहा है ना, वो ऊपर वाले हिस्से का जो जैसे जो गुड लिखा है तो वो शो करेगा, ठीक है। उसके बाद आप जो नीचे कुछ भी सेंटेंस लिखे हो वो डायरेक्ट इसके बाद जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो वो जितने भी सेंटेंस उसमें लिखे होंगे वो सब सेंड हो जाएंगे। उसके बाद आप उसको भेजते टाइम भी एडिट कर सकते हो, वरना आप डायरेक्ट छोड़ सकते हो, कोई आप सब आपके ऊपर है। आप चलाओगे ना इसके वैसे लोडर के ऊपर एक वीडियो और लेके आया था मैं, उसमें भी मैंने आपको बहुत अच्छा लोडर बताया था। तो उस टाइप का ही है लेकिन ये उससे भी ज़्यादा बेस्ट लोडर है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका आई बटन पर लिंक दे दूंगा दूसरे वाले लोडर का, वो लोडर भी बहुत अच्छा है। अगर आपके भाई अगर आप ये वाला लोडर नहीं चलाना चाहते और उस वाले को चलाना चाहते हैं तो यार इसको उसको भी देख सकते हो। आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप वो चला सकते हो, लेकिन मेरे मामले में अगर मैं आपको बता दूँ तो सजेशन में आप इस लोडर के आगे कि कोई सा भी लोडर लगा लेना यार, समझ बिल्कुल एक नंबर लोडर है ये, ठीक है। आप इस लोडर से यार बहुत देखिए, तो मैंने ये डिलीट करने के बाद बनाया था ये वाला, ठीक है। तो आपको ये देखिए आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए तो ये देखिए ऊपर कुछ भी लिख दो और उसके बाद सेंटेंस पूरा लिख देना। इसके बाद जो जाएगा ना वो आपको लास्ट में पता चलेगा कि यार क्या जा रहा है। तो देखिए बहुत तेज़ी से ये देखिए कुछ भी लिख लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग, जितने भी इसके नीचे जितने भी सेंटेंस लिखोगे ना वो एक ही बार में जैसे आप इसको इस वाले बॉक्स को दबाओगे तो ये सारे जिस बॉक्स के अंदर आपने जो तीन लाइन में जो भी कुछ लिखा है वो एक ही बार में सेंड हो जाएगा। अगर आपको
जैसे डेली गुड मॉर्निंग वगैरह वाले मैसेज भी करने हैं तो आप कर सकते हो इसमें, जैसे पहले से सेट कर लो, जैसे हाय हाउ आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, वो सब आपको उस वर्ड से आ जाएंगे। या फिर आपको फाइट में यूज करना है तो आप, ज़्यादातर मुझे पता है कि आप लोग कहाँ यूज करने वाले हैं इस कीवर्ड का, तो आप अपने हिसाब से देख लेना क्या करना है। तो देखिए, अगर आप एक किसी भी एक डिब्बे पर लॉन्ग प्रेस करोगे तो 3-4 ऑप्शन आते हैं, तो आप उसको ये देखिए, तो एडिट करके भी कर सकते हो और डिलीट करके भी कर सकते हो। तो यार वो आपके ऊपर है कि कैसे आपको सेट करना है। आपको सेट करना बड़ी आसानी से आ जाएगा, आपको एक डिब्बा सेट कर लेना, उस डिब्बे को सेट करने के बाद आपको उसको दबाना है, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे काम कर रहा है ये, ठीक है। तो देखिए अभी ये मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, जैसे आप प्रैक्टिकल करोगे ना तो आप खुद समझ में आ जाएगा कि यार ये कैसे चल रहा है, कैसे काम कर रहा है। तो यार देखिए, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, और क्योंकि यार मैं वो चीज़ करना नहीं चाहता जो पता तो है कैसे करते हैं लेकिन बता नहीं रहा, लेकिन ठीक है। तो मैं फाइटिंग से बहुत दूर हूँ यार, लेकिन कुछ लोग मेरे चैनल पर, अब भाई लोग बहुत कमेंट कर रहे थे यार भाई के दूसरा लोडर बताओ, तो मैंने बता दिया, ठीक है। और ज़्यादातर अब मैं नॉलेज वाली वीडियो लेके आऊँगा, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, हाइट फ्यूचर वगैरह, ठीक है। तो आपको वो वीडियो देख लेने हैं, ठीक है। और वो वीडियो भी मैं आपके लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ, जैसे किसी और चैनल पर नहीं बताते, ऐसी ऐसी हाइट फ्यूचर, किसी का स्टोरी कैसे व्यू करते हैं बिना सीन किए हुए। तो यार बहुत सारे, अभी कल ही, आज ही मैंने एक अपलोड किया है एक वीडियो, आप उस वीडियो को भी देख लेना, बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने फेसबुक के काफ़ी सारे ऐसे ऐसे तगड़े तगड़े फीचरों की वाट लगाई है उस वीडियो में, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो इस टाइप से देखिए, बहुत कुछ देखिए आपको लिखते चल रहा है, तो ये पूरे बॉक्सों को बना लेना है धीरे धीरे, ठीक है। तो और भी अगर आपने किसी फाइटर कीबोर्ड के बारे में कुछ जानना चाहते हो, या फिर आप कुछ और भी जानना चाहते हो, तो यार नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आके मेरे को वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहीं दे दूँगा, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपको कॉल पे बात करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आपको ब्लॉगिंग या कुछ और भी सजेशन में चाहिए तो आपको वो चीज़ भी मैं आपको बता दूँगा। और वो जो लॉग वाली जो प्रोफाइल है, तो यार वो प्रोफाइल बहुत तगड़ी रिपोर्ट है, वो तो एक टाइप की, जो लॉक अगर एक बार लग गया तो यार बहुत कम, बाय चांस मतलब 1% लोगों का ही अकाउंट रिकवर हो रहा है। तो यार उसके चक्कर में यार मुझे मान लो कि जिस लोगों का फेक अकाउंट नहीं है, जैसे रियल अकाउंट है, सेम नेम से, सेम डेट ऑफ से, अगर उनने आधार कार्ड दे दिया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, वरना वो लॉक वाली प्रोफाइल बहुत काम में नहीं आएगी। क्योंकि मैंने जो जिस अकाउंट पर किया था, वो अकाउंट में भी पूरा गेट स्टार्ट होने के बाद, आइडेंटिटी लेने के बाद भी उसने उस चीज़ को रिकवर नहीं करने दिया। तो यार इसलिए मैं उसका पार्ट टू लेके नहीं आया हूँ। अगर किसी भी भाई के पास वो लॉक वाली प्रोफाइल हो, आईडी हो, तो मेरे को देना, मैं उस चीज़ पे और भी ज़्यादा काम करूँगा। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर दे सकते हो उस आईडी का पासवर्ड और आईडी, ठीक है। अगर ओपन हो जाएगी तो मैं आपके लिए, तो आपका काम हो जाएगा, और मैं अपने उस चीज़ के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में और देख लूँगा। तो यार मेरे पास कोई भी अभी उस टाइप का अकाउंट नहीं है। अब आपको देखिए, ये डिब्बे बना लिए, सब कुछ बना लिया, उसके बाद ऑटो क्लिपर आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ऑटो क्लिपर को इसको अलाउ कर देना, और इसकी परमिशन देने के बाद, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मल्टी, जो सेकंड वाला ऑप्शन है मल्टी टारगेट पे, आपको अनेबल करने के बाद आपको कीबोर्ड के टारगेट मोड पे आ जाना है, जितना मतलब आपको कहीं भी जहाँ पे आपको भेजना है ना। तो देखिए अब यहाँ से इस डिब्बों को निकाल लेना, अब जो प्लस वाला जो आइकन है एक डिब्बे पर रखना है फर्स्ट वाले पे, ठीक है। अब सेकंड वाले को यहाँ पर रखना है सेंड वाले पे, ठीक है। थर्ड वाले को दूसरे डिब्बे पर, और इसके बाद फोर्थ वाले को सेंड पर। तो इस टाइप से पहला डिब्बे पर रखना है, दूसरा उसके बाद जो भी आएगा उसको सेंड वाले पर रखना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप से इसको सेट करते हैं। तो देखिए इस टाइप से मैं पूरे
डब्बों के ऊपर रख लेता हूँ 1 2 3 करके, ठीक है। 1 इधर तो सेकंड वाले पे सेंड वाला, 3rd इधर तो 4th वाले पे सेंड वाला, इस टाइप से 5 इधर तो 6 वाले पे सेंड वाला, इस टाइप से मैं सारे इन डब्बों के ऊपर एक के ऊपर एक रख लूँगा। और इसके बाद ये लोडर को मैं थोड़ा सा चलाऊँगा। आपको चलाने के बाद देखिए इसमें यार इतना स्लोली, मतलब आप 2 वर्ड में किसी को पता भी नहीं लगेगा कि आपने लोडर चलाया है या कुछ और चलाया है या फिर क्या किया है, किसको समझ में नहीं आएगा। कभी भी अगर जैसे आप, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और कोई आपके पीछे आके आपको कुछ कर रहा है, तो आप इस टाइप से लोडर लगा के छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कितने फास्ट टाइप करके देगा। देखिए ये देखिए, इसके अंदर जो आपने लिखा था आपको समझ में आ जाएगा आप क्या लिखा था मैंने और क्या भेज रहा है। देखिए बहुत तेज़ी से जा रहा है, कि मैंने यार इसको स्लो करके रखा है, बहुत तेज़ी से जाता है। आप इसको और फास्ट भी कर सकते हो, वो तो मैंने आपको दिखाने के लिए बता दिया कि देखिए बर्ड में क्या दिख रहा है। मैं इसको और भी फास्ट कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं, क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आया क्या लिखा था और क्या जा रहा था। तो देखिए कितनी फास्ट से जा रहा है, देखिए बहुत तेज़ी से जा रहा है। देखिए और क्या लिखा है वो भी समझ में आ रहा है, और छोटे छोटे वर्ड में लिखा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि यार सीपी मारी जा रही है। आप इसमें दो वर्ड की लाइन भी लिख सकते हो जिससे पता ही नहीं चलेगा सीपी मारा, क्या किया, टाइप किया। आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हो। देखिए आप बहुत शानदार कीबोर्ड लगा ये मेरे को, और इससे नॉर्मल टाइप भी बहुत तेज़ होती है यार। आप इस कीबोर्ड को चलाना सीख गए तो मतलब यार टाइपिंग के मास्टर हो जाओगे आप। अब थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, देखो किस टाइप से जा रहा है। देखिए इन बॉक्स को देखिए कितनी तेज़ी से और कितना फास्ट जा रहा है। तो अगर कोई भी इसके बारे में आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरे FB पेज पे भी आ सकते हो, वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक, पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन